इसको निकाल कर ऐसे निकाल लेते क्या, नीचे हाथ लगा लियो मतलब, तो ये फट से गिरे ना, नहीं गिरेगा, आराम से खोल के फिर वापस उसको रख देना। मम्मी यार एडिटिंग करनी है, देखो इतनी तो कर, इतनी तो कर ली गाइस मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब 7 मिनट की वीडियो बन चुकी है, 7 मिनट की। अरे अभी उतनी एडिट हुई है, अभी तो आगे उससे भी है। अभी जितने बनेंगे उतने ही डालूंगा, फालतू फालतू थो ठीक है ठीक है। ये यार मैं आज दिन भर ये खाया जा रहा है, देखना हुडी का ये धागा, चल बदल ले कपड़े, पीयूष। अरे सोने सुना गया पीयूष, सोने से कपड़े खराब हो जाते हैं, दूसरे वाले डाले, सोने से कपड़े खराब हो जाते हैं, हाँ रूम निकल जाती है सारी, भी चीज होता है। अच्छा हुडी से सोने से, ऐसे बोलो ना फिर, सोने से क्यों बोल रहे हो यार, क्या नौटंकी, बाहर जाए करो, चले जाओ और ये को लेके आ जा, ये दूध क्यों लेके आया अपना यहाँ, आप इन्हें तो कहा, और ये को ले आ, हाँ खा लूंगा, ठीक है गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। और ये कहाँ होगा, इस वाले रूम में होगा, इस वाले में होगा या इधर वाले में होगा, यार मेरे को ही लेके आना पड़ेगा, कोई ला ही नहीं रहा उसको, कहाँ है मेरी पता ही जगह पे तो आप जा नहीं रहे हो, कहाँ सैल का कमरा, ये सैल का कमरा है, कहाँ है, ओलू क्या कर रहे हो लड़कोलू, चलो मेरे साथ ऊपर चलोगे, शारदा आगे हैं, चलो ऊपर मिलते हैं, चलो। व्लॉग एडिट हो चुका है, मैंने अपलोडिंग पे लगा दिया है, अब अपना ड्राइंग बनाते हैं जो कि मैं रोज रात को बनाता हूँ एडिटिंग करने के बाद, आजकल जल्दी एडिटिंग कंप्लीट कर रहा हूँ ना। एंड एक चीज दिखाता हूँ, देखो ओरियो अभी नीचे सो रहा था, फिर पता नहीं क्या हुआ इसको एकदम से ऊपर आ गया, मैंने ओढ़ दिया था इसको यहाँ पे, बट इसको ओढ़ना पसंद नहीं है तो ये यहाँ पे आके सो गया, और देखो यहाँ पे मेरा टैबलेट पड़ा है, फोन पड़ा है, यहाँ पे वायर है, बिस्तर वगैरह है, तो ये किसी चीज को कुछ छेड़ता ही नहीं है, इसको पता है सौदा के काम की चीजें हैं, तो ये पता नहीं कहाँ से सीख गया ये सब, किसी चीज को छेड़ता नहीं है, आराम से आके सो जाता है, ना किसी चीज को काटता है। तो अभी टाइम हो रहा है 12:38 और मुझे लग चुकी है भूख, खाना पापा जी दे गए थे टिफिन में, तो देखते हैं इसमें है क्या क्या, देख लो घर में रहते हुए भी टिफिन रखना पड़ रहा है। ये ना मेरा रूटीन है वैसे तो, रात को डेली काम करना और भूख तो लगती है, फिर रोज खाता भी हूँ मैं, सब्जी तो गिर रखी है, न्यूज़पेपर पे गिरेगा गिरेगा, तो कपड़े के अंदर डाली है मम्मी ने रोटी, खाना हो चुका है, थोड़ी देर और ड्राइंग बनाता हूँ फिर सो जाऊंगा। हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो अभी सुबह हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है 10 बज चुके हैं, 10 बजे नहीं उठा था मैं, उठ गया था 8 बजे, 2 घंटे से ऐसे ही लेटा हुआ हूँ, फोन चला रहा हूँ, कमेंट्स के रिप्लाई कर रहा हूँ, मेल्स के रिप्लाई कर रहा हूँ। दूध नहीं पिया, कौन सा दूध, दूध नहीं पिया कल रात जो बड़े में दूध पीता हूँ, नहीं नहीं मम्मी को, मम्मी को मत बता, दे देना ठंडा नहीं पीना, देख मैं सारी मलाई जमने की ऐसे थोड़ी पीते, रात को मैंने खाना तो खाया, दूध पीना भूल गया मैं, ऐसा हो रहा था जबकि मम्मी क्या कही थी कि तू भूल जाएगा दूध पीना, तू भूल जाएगा, मम्मी को, मम्मी को, मम्मी को मत बताइयो, ये कह रहे थे कि मम्मी को मत बताइयो, क्या रख दे वहां, रख देना, अरे पी लूंगा अभी पक्का, अभी नहीं पीना ना, रात का रात के बीते। बाय द वे अभी एक सपना आया, स्कूल के सपने मुझे आजकल आ रहे हैं, स्कूल मेरे स्कूल टाइम के, कि वहाँ पे अपनी स्कूल लाइफ में आजकल सपनों में दोबारा जी रहा हूँ, मार पड़ रही है, पिटाई हो रही है, काम करके नहीं जा रहा हूँ, स्कूल से भगा दे रहे हैं, स्कूल से भगा दिया और मेरी नींद खुल गई, मैं अच्छा मेरे को रियल लग रहा था कि मैं स्कूल में हूँ। आपके साथ भी होता हुआ ये सपने आते होंगे स्कूल वाले, नहीं गर्म करके, हाँ लिया मम्मी को मत बताइए, मम्मी को चल ही जाएगा पता, या मैंने खाना तो खाया था, दूध पीना भूल गया मैं, गरम करके भी ले आया, मैं अभी तक उठा भी नहीं हूँ, रख दे, क्या गिरा दिया, दूध, दूध इसके ऊपर तो नहीं गिरा ना, ओलू सौदा उठ गए हैं। सो गाइस बात ऐसी है, अभी 2 बज चुके हैं, लंच हो चुका है, अभी का सीन ये है कि आपसे कुछ चीज़ डिस्कस करनी थी, कुछ पूछना था, वी आर प्लानिंग टू बाय ए न्यू कार जो कि एक्सयूवी हो, ऊंची गाड़ी, आपको पता होगा, तो सजेस्ट करना, हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं, बहुत सारी हैं, नेक्सॉन, सेल्टॉस, क्रेटा फ्रेटा, तो इनमें से कुछ भी आप सजेस्ट करना जो कि मतलब सही रेंज में हो, हम लोन पे ले लेंगे, कौन सी लेंगे पूछ ले, कौन सी आप सजेस्ट कर सकते हो, काफ़ी लोगों के पास ऑलरेडी होगी तो आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो, तो बस यही पूछना था, बताना, हमारी फैमिली भी आप देख लो कितनी है, हमारी फैमिली के लिए, ओरियो के लिए। सो अभी गाइस सभी के सभी सो रहे हैं पीयूष को छोड़ के, देखो पापा जी यहाँ सो रहे हैं, ओरियो यहाँ सो रहा है, मम्मी जी वहाँ सो रही है, एंड ये फ़ोन में पता नहीं कौन सी गेम खेल रहा है, कौन सी गेम है रे,
लोकल गए हैं। पापा जी तो आराम से जाल के ऊपर सो रहे हैं ओरियो के साथ में, बिना पिलो के सो रहे हो। लो पापा जी को भी दूं क्या? अरे वाह, पापा जी ने कपड़े को पिलो बना रखा है। हे गाइस, तो अभी एक चीज दिखाऊं आपको, आज वाले व्लॉग में तन्मय भट्ट सर ने कमेंट किया है, वाओ मैंने पिन कर दिया। फाइनली मम्मी जी को थोड़ा बहुत मैंने मनाया है, हम कल जा रहे हैं फाइनली घूमने के लिए कहीं पे। तो पीयूषी, तो पीयूषी आर यू एक्साइटेड? यस, कल बड़े पापा आप और मैं। बड़ी मैंने इसलिए आके आ रहा क्योंकि बड़े पापा को भी ले जा रहे हैं साथ। हाँ, बड़े पापा को भी ले जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, घुमाएंगे थोड़ा नैनीताल और वहाँ। जब मम्मी कहीं जाने के लिए मान जाती है ना, जो खुशी होती है मतलब। लेकिन पापा जी को ले जाना है, कोई बात नहीं, ले जा लेंगे। नहीं, पापा जी हमको ले जाएंगे। ये क्या बोल रहा हूँ मैं, हम तो ले जाएंगे, हमको क्या पता। बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि घर पे व्लॉग बनाता रहता है, कुछ करता नहीं है, कहीं जाता नहीं है। तो फाइनली हम जा रहे हैं ट्रेवल करने के लिए। हमारे प्लॉट में बंदर घुस चुके हैं, सारे बैगन मूली तोड़ के ले गए। बहुत सारे हैं, मैं अभी जाता हूँ अंदर। है क्या, कितने हैं? वो बहुत सारे हैं यार अंदर तो। क्या खाया? पेड़ पे ही खा गया बिना तोड़े। ये भी अलग ही है, तोड़ दो फिर इसको। बंदरों का आतंक, ये देखो सारे बैगन खा के जा चुके हैं, बैगन के मलबे पड़े हुए हैं बस यहाँ पे। ये भी खा दिया, जितने बैगन थे सारे तोड़ दिए सालों ने। बे यार, टोटल इतने बैगन थे, ये भी देखो सारे के सारे खा लिए हैं। अब इसके अंदर एक भी नहीं है, पता नहीं चुन चुन के निकाल के खाए हैं उन्होंने। मूली है, मूली तो नहीं छेड़ा उन्होंने कुछ। गीला क्यों हो रहा है, आपने पानी डाला सुबह? अच्छा, पानी डाला। मैं तो बहुत दिनों के बाद ही आया हूं यहां पे। तो अभी हम जा रहे हैं एक तो बस स्टैंड, पहले जाके पता करके आते हैं कि बस जा रही है नहीं आ रही, बिकॉज हम प्लान करें कि बस में जाने का। जो दिल्ली वाले बॉर्डर है ना, वो किसान आंदोलन की वजह से बंद है, तो देखते हैं बस अगर नहीं आ रही होगी तो गाड़ी वगैरह करना पड़ेगा, नहीं तो बस में ही जाएंगे। और गाड़ी में जाते ना, गाड़ी में सही रहता व्लॉग बनाने के लिए। तो चलो चलते हैं, हम दोनों तो रेडी है। एंड गोरा आ चुकी है, जो कि ओरियो के साथ खेलेगी, जो कि काफ़ी बढ़िया है। पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, बंद ना हो जाए बस जल्दी से, पेट्रोल पंप तक पहुंच जाए, नहीं तो फिर पोपट हो जाएगा। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही बस आती है उत्तराखंड की। अरे हाँ गाइस, मैंने बता ही दिया हम उत्तराखंड जा रहे हैं। घुमा लूँ क्या? मैं नहीं ले जा रहा पानी में से यार, आज ही धोई थी बाइक। हमने अपना रास्ता चेंज कर लिया है, उबड़ खाबड़ रोड चलेगी बट कीचड़ नहीं चलेगा। अबे अबे अबे, यहाँ पे गिरने का खतरा है बट कोई बात नहीं, कीचड़ तो नहीं है ना। फ्यूल तो हो गया है पूरा। हाँ। वीडियो देखी थी, अच्छा, साइकिल वाली भी, खेतों की पटाई वाली भी। बस के बारे में हमने पूछ लिया है, कह रहे हैं कि आती है डेली 6 बजे आती है। अभी टाइम क्या हो रहा है, 5:12 हो रहे हैं। मम्मी जी गाड़ी है 6 बजे की, तो कल 6 बजे निकल लेंगे हम। प्लान कैंसिल मत कर देना प्लीज़, देख लो इतनी मुश्किल से प्लान बनाए। शालदा आगे हैं ओली, इसको घुमाने का बहुत मन करता है यार। तो हम ओरियो के लिए जल्दी ही कार का जुगाड़ करेंगे, ठीक है ओरी? अगर हम कहीं घूमने जाएं तो ओरियो को तो ले जा नहीं सकते, इसलिए 4-व्हीलर बहुत ज़रूरी है ओरियो के लिए, क्योंकि ओरियो के बिना और पूरी फैमिली के बिना व्लॉग बहुत मिसिंग सा लगता है। तो गाइस, अभी का सीन ये है कि शारदा बाहर से आए और सीधा लेट के बिस्तर में, और काम धंधा कुछ है नहीं क्या? तो अभी का सीन क्या है ये? अभी का सीन ये सीन ही है, ठंड लग रही थी यार, अभी एडिटिंग करनी है मुझे, तो मैं थोड़ा सा बस चेक कर रहा था, कमेंट्स वगैरह रिप्लाई कर रहा था। शारदा, तो फिर मैं बोल दूं मैं अब किस मुंह से कहूं मैं? दिन भर कह रहे जाना है और अब जाना कैंसिल हो गया हमारा यार। फिर वो बताऊं तू, ऐसा मत कहा जल्दीबाजी करता, हर चीज में क्या हो रहा है? चुप रहा पीयूष, वो बड़ी भी गौरी है, बड़ी भी ले जा रहे हो। चलेंगे कल जाएंगे, मैं कुछ जाऊंगा पैदल। अगर हम जाएंगे सारे, देखो सबसे मेन चीज ये है कि अभी हम घूमने तो गए थे पीयूष और मैं, अगर पापा जी आएंगे साथ में तो एक जाना पड़ेगा, बट मम्मी साहिल एंड ओरियो ये भी बहुत जरूरी है। और ऊपर से अगर हम बस में जाएंगे तो हम सोच रहे हैं यार बस में अगर जाएंगे तो स्टे किस तरह से करेंगे, कहाँ, अगर हमारा प्लान बन जाता है नैनीताल जाने का और भी भीमताल वगैरह जाने का, तो किस तरह से जाएंगे? 30 दिसंबर को तो जाना ही है गांव, 30 से पहले जाना है और क्या। तो वही प्लान कर रहे हैं कि गाड़ी लेते हैं जल्दी से पहले, आप गाड़ी का बता दो मुझे, और उसके बाद
गाड़ी में पूरी फैमिली ऑडियो को लेके हम सब जाएं। अभी ना जाएगा, अभी जल्दी जल्दी में एक्साइटमेंट मैंने मम्मी को बोल तो दिया, तो वो बात चल रही है फिलहाल, अभी डिस्कस कर रहे हैं, अभी क्या कंक्लूजन निकलता है आपको बताते हैं, ठीक है? सारे अटक जाएंगे। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूँ अगर आप 5-6 दिन पहले जाओगे, मान लो हफ्ता दिन पहले गया, सुन तो लो पहले बात, तो सुन तो ले यार, फिर बीच में सुन तो लो रे, ये जो है बड़े में बड़ा बाबा की बात काटते हैं, बड़े बाबा बड़े में काटते हैं, फिर दो मारे आए दूसरे को, लो पैसे खुद उठा के मारो, फिर ऐसे होता है। अरे मेरी बात सुन तो ले यार, कोई नहीं सुनेंगे, कोई नहीं सुनेगा, हो गया सुन तो ले यार, बड़े में वो उतर गया, एक बोल निकालो मारे दूसरे को मारो यार। मैं देखो मैं बस स्टैंड गया वहाँ, कह रहा हूँ मेरी बात तो सुन, नहीं कोई नहीं सुन रहा, क्यों नहीं सुन रहा, फिर मैं भी नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ, जाओ यात्रा करो तुम अपने, जाओ यात्रा करो, कोई बात, मेरी बात तो सुन, अरे मेरी बात तो सुन लो यार, मेरी बात स्कूल का काम देख लो, इसका कभी नहीं कराया प्लान बना और फिर कैंसिल भी हो गया, जाना ही तो दो दो बार का क्यों करते हो, 10 दिन तो हो गए हो, ठीक है? हाँ क्या 10-4 तारीख हो गई है, 25 को जा रहे हैं, रोटी मेरे लिए तो ऊपर ले आना कल की तरह, अपने रात को खाएंगे 12-1 बजे आराम से। तो अभी सभी के सभी फोन में लगे, पापा जी मम्मी और पीयूष ये और साहिल दा भी। हे गाइस, तो अभी टाइम है रात के 1:16, थोड़ा बहुत ड्राइंग बनाया और एडिटिंग वगैरह कंप्लीट की, अपलोडिंग वगैरह। फिलहाल अब डिनर करेंगे हम, खाना मैंने रखवा लिया था जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं खाना खाता हूँ और इस ब्लॉग को करता हूँ एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना एंड गाइस चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। साले को घर से निकाल दूंगा मैं अभी इसको, आज घर से निकाल दूंगा, I'm by love.